देखो, हमने ना एनर्जी का एक फॉर्मूला पढ़ा था, या वर्क का एक फॉर्मूला पढ़ा था, एनर्जी कह लो वर्क कह लो, चार्ज इनटू पोटेंशियल, याद है? ये फिजिक्स में पढ़ा था, चार्ज इनटू पोटेंशियल होता है वर्क डन। अगर किसी चार्ज को आप वी पोटेंशियल में आप उसको मूव करवा दो तो वर्क कितना होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल, याद है ये? हाँ, जी क्या? सर, हाँ, अब देखो, अगर आपने एक मोल इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन्स को, एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1 फेरेडे, ये बात भी बताया है ना? और एन मोल इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना होगा, एन फेरेडे, ये बात क्लियर है? तो एन मोल इलेक्ट्रोड पे चार्ज होगा एन फेरेडे। अगर उसको हम ई यहां पे ना, अगर हम उसको ई पोटेंशियल के अक्रॉस मूव करवा दें तो वर्क कितना हो जाएगा, एन एफ इंटू ई, ठीक है बात है? एन एफ चार्ज है, ई पोटेंशियल है। जी अब गिब्स एनर्जी की डेफिनेशन पता है क्या होती है? गिब्स एनर्जी होती है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नॉन एक्सपेंशन वर्क दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ सिस्टम। मतलब एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ना हो सिस्टम में, उससे तो आप कितना वर्क निकाल सकते हो मैक्सिमम पॉसिबल, उसको गिब्स एनर्जी बोलते हैं। तो गिब्स एनर्जी की ना फिर जो फॉर्मूला आता ही आता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई, वो माइनस साइन कन्वेंशन के लिए है। तो एन एफ ई यहाँ पे, डेल्टा जी क्या है, गिब्स एनर्जी डिफरेंस, गिब्स एनर्जी चेंज, ई क्या है, सेल का पोटेंशियल। एफ फेरेडे है, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड इन केमिकल इक्वेशन। और अगर ये काम स्टैंडर्ड कंडीशंस पे आपने किया तो फिर वो जी नॉट हो जाएगा, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, है ना? यहाँ पे ई सेल लिख लो, ई सेल, तो स्टैंडर्ड पे हो जाएगा। तो ये होता है, फिर है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला है, इस पे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन। तो इसमें क्या होता है ना, देखो, मान लो डैनियल सेल है, डैनियल सेल में ये था, जिंक एनोड था, कॉपर कैथोड था, तो इसकी सेल रिएक्शन ये थी, अब देखो ये इसका हमने नर्स्ट इक्वेशन से लिखा था, बाय नर्स्ट इक्वेशन कि भाई इसका जो ई सेल है दैट इज इक्वल टू ई नॉट सेल,
माइनस 298 केल्विन पे, माइनस 0.059 अपॉन एन। अगर ये आप नहीं लेना तो फिर यहाँ पे आर टी अपॉन एन एफ हो जाता है, ये तो हमने देखा ही था, 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग ऑफ क्यू। क्यू क्या था? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जेड एन टू प्लस डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर टू प्लस। ये हमने लास्ट इक्वेशन देखा था। अब क्या है ना, देखो ई सेल क्या है, सेल का पोटेंशियल। सेल ना तभी तक ही फंक्शनल होगा जब तक ये रिएक्शन होती रहेगी। इस रिएक्शन की होने की वजह से सेल का पोटेंशियल है। अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगी, है ना, इक्विलिब्रियम पे अगर पहुंच जाएगी तो ई सेल जीरो हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड जा ही नहीं रही। तो रिएक्शन फॉरवर्ड जा ही नहीं रही तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो ही नहीं रहे नेट, तो इसलिए ई सेल तब जीरो हो जाएगा। यहां लिखो एट इक्विलिब्रियम ई सेल विल बी जीरो। तो फिर इसलिए ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जेड एन टू प्लस डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर टू प्लस को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, केसी बोल देंगे इसको हम। तो इसलिए जीरो इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग ऑफ के सी। तो इससे ना हम के सी निकाल सकते हैं। सो लॉग ऑफ के सी इज इक्वल टू एन ई नॉट सेल डिवाइड बाय 0.059। तो इस तरह से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं ई नॉट सेल से। तो क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन कॉपर सॉलिड सिल्वर प्लस एक्वस गिव्स कॉपर टू प्लस एक्वस प्लस टू एजी सॉलिड। और आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है कि ई नॉट सेल जो है वो 0.46 वोल्ट है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ई नॉट सेल दिया हुआ है, कर लो सीधा ही सीधा है। तो फिर लॉग ऑफ केसी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है ना, एन की वैल्यू 2 है। यहाँ पे देखो दो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं इस रिएक्शन में, कॉपर कॉपर 2 प्लस बन रहा है दो इलेक्ट्रॉन लूज करके, सिल्वर प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करके सिल्वर बन रहा है, लेकिन वो दो है सिल्वर के आयन्स। तो लॉग ऑफ के सी इज इक्वल टू एन ई नॉट 1.059, एन की वैल्यू 2, ई नॉट 0.46 अपॉन 0.059। तो इसको अगर सॉल्व करोगे ना तो 15.6 आएगा। आप 15.6 को कैसे सॉल्व कर सकते हो, इसको लिखो 15 प्लस 0.6, 15 हो जाएगा लॉग ऑफ 10^15 प्लस लॉग ऑफ 4, ये आएगा लॉग ऑफ 4 × 10^15। तो इससे के सी आ जाएगा 4 × 10^15। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर
डैनियल सेल इज 1.1 वोल्ट, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी फॉर द रिएक्शन जिंक सॉलिड प्लस कॉपर टू प्लस एक्वस गिव्स जिंक टू प्लस एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। तो आपको ई नॉट सेल दिया हुआ है, गिब्स एनर्जी पूछी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, एन की वैल्यू यहां पे 2 है, एफ है 96500 कूलम और ई नॉट सेल 1.1 दिया हुआ है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आएगा -212300 जूल पर मोल, -212.3 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स, ये रिएक्शन दी हुई है, टू Fe3 प्लस एक्वस प्लस 2 आई नेगेटिव एक्वस गिव्स 2 Fe2 प्लस एक्वस प्लस आई टू सॉलिड हैज ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.236 वोल्ट। तो 0.236 वोल्ट है एट 298 केल्विन। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी एंड द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट ऑफ द सेल रिएक्शन। आंसर अगेन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डेल्टा जी पूछा और इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट पूछा। डेल्टा जी नॉट क्या होगा, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, एन की वैल्यू यहां पे देखो कितना है, 2 है यहां पे, अगर आई माइनस देखोगे आई माइनस आई टू बन गया एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, तो लेकिन 2 आई है तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। यहां पे एफ ई 3 प्लस ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा, एफ ई 2 प्लस बन गया, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करा लेकिन वो 2 है एफ ई 3 प्लस के आयन, तो 2 इलेक्ट्रॉन टोटल गेन हो जाएंगे। एन की वैल्यू है 2, एफ तो 96500 होता है, ई नॉट सेल आपको 236 दिया हुआ है। सिंपल इसको सॉल्व ही करना है, माइनस 4, 5, 5, 4, 8 जूल पर मोल,
-45.55 किलो जूल पर मोल आ जाएगा आंसर। ठीक है, और नेक्स्ट फिर आपसे के इक्विलिब्रियम पूछा है, तो लॉग ऑफ के सी इज इक्वल टू एन टाइम्स ई नॉट सेल डिवाइड बाय 0.059। ये फॉर्मूला ना, ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दिया, एन ई नॉट सेल 0.059। तो एन की वैल्यू यहाँ पे 2 है, ई नॉट सेल 0.236 है डिवाइड बाय 0.059। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो मतलब क्या, के सी आ गया 10^8। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल्स ऑफ गैल्वेनिक सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। क्रोमियम प्लस कैडमियम, और ये क्रोमियम एक्वस प्लस 3 कैडमियम सॉलिड। फिर आ गया Fe2+ एक्वस प्लस Ag+ एक्वस, आ जाएगा Fe3+ एक्वस प्लस Ag सॉलिड। कैलकुलेट द डेल्टा जी नॉट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन ई नॉट क्रोमियम 3+2। क्रोमियम आपको दिया हुआ है -0.74 वोल्ट। ई नॉट कैडमियम 2+2 कैडमियम है -0.40 वोल्ट। ई नॉट Fe3+2, Fe2+ है 0.77 वोल्ट। ई नॉट Ag+2 Ag है 0.80 वोल्ट। तो इन दोनों रिएक्शंस का आपको निकालना है, डेल्टा जी नॉट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऊपर जो दी हुई है। तो आंसर निकाल लेते हैं हम लोग, सिंपल सी बात है। देखो अब ये जो फर्स्ट रिएक्शन है, पहले तो फर्स्ट रिएक्शन का ई नॉट सेल निकालो। फर्स्ट रिएक्शन का ई नॉट सेल क्या होगा, ई नॉट कैथोड। कैथोड यहाँ पे क्या, जहाँ रिडक्शन हो रही है, यहाँ पे रिड्यूस कौन हो रहा है, कैडमियम रिड्यूस हो रहा है। देखो यहाँ पे Cd2+2 Cd, तो कैडमियम रिड्यूस हो रहा है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल आएगा ई नॉट कैडमियम 2+2 कैडमियम, ये कैथोड हो गया रिडक्शन। माइनस एनोड कौन होगा जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, क्रोमियम क्रोमियम +3 में ऑक्सीडाइज हो रहा है,
तो ये एनोड है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल है माइनस होगा, माइनस ई नॉट क्रोमियम 3+2 क्रोमियम, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये ई नॉट सेल का फॉर्मूला होता है। तो ये कितना है, -0.40 वोल्ट, -0.74 वोल्ट, 0.34 वोल्ट ई नॉट सेल आ गया। अब ई नॉट सेल से हम दोनों चीज़ निकाल सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी और डेल्टा जी नॉट भी। सो डेल्टा जी नॉट होगा -NF ई नॉट सेल। एन की वैल्यू कितनी है, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने हो रहे हैं, देखो ऊपर क्रोमियम क्रोमियम +3 में जा रहा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर रहा है और 2 क्रोमियम है तो 6 हो जाएंगे। यहाँ पे देख लो कैडमियम 2+ कैडमियम में जा रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर रहा है और 3 है ये कैडमियम, तो 6, एन की वैल्यू 6 है। -69650 × 0.34, इसको सॉल्व करेंगे तो -196860 जूल पर मोल आ जाएगा। सो -196.86 किलो जूल पर मोल। फिर आ जाएगा ई नॉट सेल, के निकालना है ना के, तो लॉग ऑफ के सी आ जाएगा एन टाइम्स ई नॉट सेल 1.059। एन की वैल्यू 6 है, ई नॉट सेल 0.34 है, 1.059। सो लॉग ऑफ के सी यहाँ से आ जाएगा 34.6। तो 34.6 को आप लिख लो 34+0.6, 34 होता है लॉग ऑफ 10^34, 0.6 होता है लॉग 4। तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ 4 × 10^34। सो आपके पास के सी आ गया 4 × 10^34। ये होगी फर्स्ट। दूसरा, अब सेकेंड इक्वेशन का ई नॉट सेल, ई नॉट सेल क्या होगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब कैथोड देखो भाई क्या है, रिडक्शन, कौन रिड्यूस हो रहा है, सिल्वर रिड्यूस हो रहा है, तो कैथोड सिल्वर है। ई नॉट Ag+2Ag माइनस एनोड का रिडक्शन, एनोड कौन है, ऑक्सीडाइज हो रहा है आयरन Fe2+2 Fe3+, तो ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस करना पड़ेगा। ई नॉट Fe3+2 Fe2+, और ये 0.80 माइनस 0.77, 0.03 वोल्ट आ जाएगा। ये दोनों वैल्यू दी हुई है ऊपर, देखो ये 0.8 है, 0.77। तो ये ई नॉट सेल आ गया। अब निकाल ही सकते हैं हम, डेल्टा जी आ जाओ, डेल्टा जी नॉट आएगा -NF ई नॉट सेल। एन की वैल्यू देखो यहाँ कितनी है, इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंज हो रहे हैं, 1 ही हो रहा है, Fe2+ Fe3+ बन रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है। सो -1 एफ वैल्यू होती है 96500 × 0.03, -2895 जूल पर मोल, -2.895 किलो जूल पर मोल। फिर लॉग ऑफ के सी क्या आ जाएगा, एन टाइम्स ई नॉट सेल अपॉन 0.059। N1 है, ई नॉट सेल 0.03 है, 1.059, तो ये 0.5 आ जाएगा।
तो 0.5 अगर आ गया तो ना अप्रॉक्सीमेटली कर सकते हो अब इसको, केसी क्या आएगा 10^0.5, तो 10^0.5 अप्रॉक्सीमेटली 3.2, ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली याद रखनी पड़ेगी। अंडर रूट ऑफ 10 3.16 होता है ना, ये याद रखना पड़ेगा आपको। तो मैंने याद रखने के लिए क्या क्या बोला है, याद रखना ना, लॉग की वैल्यूज बोला मैंने एक, तो एक बार समराइज कर लेते हैं। लॉग 2 मैंने बोला याद रखो 0.3, लॉग 3 बोला याद रखो 0.48, लॉग 5 बोला है 0.7, लॉग 7 बोला 0.85, ये याद रखो। और कुछ फॉर्मूलाज याद रखने के लिए बोले कौन कौन से, लॉग ए इंटू बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी एंड लॉग ऑफ ए रेस्ट पर बी इज इक्वल टू बी लॉग ए, ये याद रखना। और अंडर रूट 10 की वैल्यू याद रखो 3.16 होती है। तो इन सब से ना आप लॉग की वैल्यूज जो आती है केमिस्ट्री में उससे सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द बटन सेल वाइडली यूज्ड इन वॉचेस एंड अदर डिवाइसेस द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। जिंक सॉलिड प्लस Ag2O सॉलिड प्लस H2O लिक्विड गिव्स Zn2 प्लस एक्वस प्लस 2Ag सॉलिड प्लस 2OH नेगेटिव एक्वस। डिटरमाइन डेल्टा जी नॉट एंड ई नॉट फॉर द रिएक्शन। ये जो ऊपर रिएक्शन दी है इसके लिए भाई वही डेल्टा जी नॉट और ई नॉट फाइंड करना है आपको। और गिवन क्या है, ई नॉट Zn2 प्लस 2Zn -0.76 वोल्ट है और ई नॉट Ag2O2Ag 0.344 वोल्ट है। तो पहले तो ई नॉट सेल निकालो। ई नॉट सेल क्या होगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब कैथोड कौन है भाई, रिडक्शन किसकी हो रही है, या सिल्वर प्लस से सिल्वर बन रहा है। Ag2O में सिल्वर प्लस वन ऑक्सीडन स्टेट में है ना, तो ये कैथोड होगा। ई नॉट Ag2O/Ag माइनस एनोड का ऑक्सीडेशन जिंक की हो रही है। ई नॉट Zn2+2Zn, तो ये दिया हुआ है 0.344
माइनस 0.76, 1.104 वोल्ट. सो डेल्टा जी नॉट क्या है? माइनस एन एफ ई नॉट सेल. एन की वैल्यू कितनी है? देखो भाई इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंज हो रहे हैं. जिंक जिंक 2+ बन रहा है, दो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं. 2 9 6 5 00 इंटू 1.104. सो माइनस 213072 जूल पर मोल. माइनस 213.072 किलो जूल पर मोल आ जाएगा डेल्टा जी नॉट. यही तो फाइंड करना था. ई नॉट और डेल्टा जी नॉट हमने फाइंड कर दिया.